बीते दिनों आईपीएल के फाइनल में जहां कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला हुआ और उस मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत कर अपने नाम कर लिया, इसी बीच स्टेडियम में हर किसी की नजर उस एक महिला पर जा टिकी जिसकी आंखों में आंसू नजर आए और वो आंसू पर सेलिब्रिटीज ने भी रिएक्ट किया है। अब यहाँ सवाल उठने लगे कि आखिर वो महिला कौन है और उस महिला के बारे में जानने की इच्छा हर किसी की बढ़ गई। जानकारी के लिए बताते चले कि वो कोई और नहीं बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद की इकलौती मालकिन काव्या मारन है। आज के इस वीडियो में हम काव्या मारन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बीते कुछ दिनों से वो सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है जहां उनकी वीडियो क्लिप्स और तस्वीर शेयर करके लोगों ने ये जानने की इच्छा जाहिर की कि आखिर ये कौन है। अब बात कर ले काव्या मारन की तो जानकारी के लिए बता दे कि इनका जन्म तमिलनाडु में 6 अगस्त 1992 में हुआ और ये एक बिजनेसमैन और पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले फैमिली से आती हैं। इतना ही नहीं इनके पिता का नाम है काला निधि मारन जो कि एक जाने माने बिजनेसमैन है। काव्या के पिता काला निधि मारन सन टीवी नेटवर्क के मालिक है और सन टीवी नेटवर्क की बात करें तो इस टीवी नेटवर्क के अंतर्गत कई भाषाओं में अलग अलग राज्यों में चैनल चलाए जाते हैं जिनमें की तमिल, कन्नड़, तेलुगु, केरल, मलयालम साथ ही मराठी भाषा भी शामिल है। इतना ही नहीं अगर नेटवर्क पर बात करें तो काला निधि मारन की कुल 25,000 करोड़ की नेटवर्क है और काव्या की माँ भी एक जानी मानी बिजनेसमैन है जिन्हें भी कई अवार्डों से नवाजा जा चुका है। काव्या मारन की जब सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स आईपीएल के दौरान वायरल हुई उस वक्त लोगों ने ये भी जानना चाहा कि क्या काव्या मारन इकलौती चाइल्ड है या फिर उनके और भाई बहन है। या फिर एक सवाल जो सबसे ज्यादा काव्या के बारे में सर्च किया गया वो ये कि क्या वो सिंगल है, मैरिड है या फिर रिलेशनशिप में है। इस पर सवाल के जवाब में कुछ भी सामने नहीं आ सका है क्योंकि काव्या बहुत ही ज्यादा बंधी रहने वाली लड़की है और वो अपनी प्राइवेसी का काफी ध्यान रखती है। यही वजह है कि काव्या का कहीं भी कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऑफिशियल पेज सामने नहीं आता। और तो और काव्या मारन ना केवल सनराइजर्स हैदराबाद बल्कि इसके अलावा और भी कई चीजों की मालकिन है। काव्या मारन को लेकर लोगों की दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ती देखी गई क्योंकि अक्सर वो अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में बतौर ऑडियंस एक एक मैच एक एक बॉल तक उन्होंने देखा और अपनी टीम का हौसला अफजाई करते नजर आई थी। यहाँ तक कि अगर उन्हें लोगों से जुड़ने की जरूरत पड़ती है या फिर आईपीएल के दौरान अपनी टीम की बात रखनी होती है तो वो सनराइजर्स हैदराबाद के ऑफिशियल पेज से सामने आकर लोगों से जुड़ने की कोशिश करती हैं। वहीं जैसा कि हमने बात किया कि काव्या मारन का फैमिली बैकग्राउंड केवल बिजनेस नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी है, इस पर बात करें तो जानकारी के लिए बता दें कि काव्या मारन के दादाजी, चाचा जी ये सब पॉलिटिकली बैकग्राउंड से आते हैं और खास करके पॉलिटिक्स में अपनी काफी अच्छी पकड़ बना चुके हैं। यहाँ तक कि वो सांसद भी रह चुके हैं और इसी तरीके से कई केंद्रीय मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। काव्या मारन एक जानी मानी हस्ती हो चुकी है लेकिन काव्या मारन के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ सकी क्योंकि काव्या मारन बहुत ही प्राइवेट रहने वाली लड़की है।